still to wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain. When I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. Memories bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost, and I felt all of the hatred. It was too powerful to stop. Oh, yeah. Now my heart feel like an ember, and it's lighting up the dark. वो तो कॉमन सा बात है। ये देखो पीछे वाला जो दिखाई दे रहा है आप लोग को, यहाँ पर हम लोग पानी वानी भरते थे। और क्या, ये असेंबली ग्राउंड है हम लोग का। बहुत सी मेमोरीज जुड़ी है इस स्कूल से रिलेटेड। आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा स्कूल है। 2021 में यदि एडमिशन लेना होगा तो ले सकते हो। जैसे अभी हम लोग पीछे जा रहे हैं, अभी इसी में असेंबली होता था। ये है हम लोग का बहुत बड़ा ग्राउंड। स्कूल लाइफ की होती है कुछ अलग ही बात। दोस्त नहीं कहते हम, भाई बोल के थामते हैं हाथ। पहले बचपन में तो मॉनिटर से डर जाया करते थे, फिर बड़ी क्लासेस में कभी उसी के साथ बंक किया करते थे। सेकंड थर्ड में तो टीचर से डरा करते थे, बड़ी क्लासेस में उनके पीछे उन्हीं को चिढ़ाया करते थे। टीचर्स की डेस्क पे बैठ के उनकी एक्टिंग किया करते थे, तो वॉशरूम की पूछ के पूरा स्कूल घूम लिया करते थे। नहीं आएंगे वो दिन लौट के, पता है मुझे, कभी सोचा ना था इतना याद आएंगे सब। उस वक्त सोचते थे कि आखिर ये स्कूल खत्म होगा कब। दोस्तों के बर्थडे पे मार कर उनका वेलकम करना, और मारने के बाद भी उनकी जेब खाली करना, और किसी दूसरे से लड़ाई होने पर कहना कि भाई है अपना, इसे हाथ मत लगाना। सोचता हूं क्यों पीछे छूट गए वो दिन। टॉपर से लेकर फेलियर तक नहीं रह सकते थे एक दूसरे के बिन। कोई भी शरारत पकड़ी जाने पे नाम नहीं दिया करते थे, कमीने थोड़ी न थे, आखिर दिल से भाई माना करते थे। उतरा हुआ चेहरा देख के एक ही सवाल होता था सालों का, नाम बता लोंडे का। बाकी काम उनका होता था। जो बोलता था भाई पेपर टफ था, पक्का फेल हूं। हाईएस्ट मार्क्स आने पे पक्का था उसका पिटना। फ्री पीरियड पर क्लास खाली हो जाया करती थी, और अगर कोई अच्छी सी टीचर आ गई तो उसके आसपास लड़कों की भीड़ लग जाया करती थी। बैक बेंचर्स की इज्जत क्लास में सबसे ज्यादा होती थी। टॉपर से पढ़ाई की और उनसे हंसी मजाक की बातें होती थी। चाहे हर टीचर था परेशान हम लोगों के ग्रुप से। आए नहीं आज वो तीनों,
बोलते भी वही थे हमारे एब्सेंट होने पे। लौट आए वो दिन, मैं पढ़ने को तैयार हूँ, जो नहीं किया अच्छे से वो सब करने को तैयार हूँ। पक्का अब वॉशरूम की पूछ के सिर्फ वॉशरूम ही होके आया करूँगा, आधा आधा घंटा वहां दोस्तों के साथ नहीं बिताया करूँगा। पर एक शर्त है मेरी, अगर लौट के आए वो दिन तो एक बात मान लेना प्लीज, उन्हीं दोस्तों को भेज देना वापस, बहुत मजा आता था उनको करने में टीज। लौट आए वो दिन, मैं पढ़ने को तैयार हूं, जो नहीं किया अच्छे से वो सब करने को तैयार हूं। लौट आए वो दिन। था तो जवानी एक ख्वाब था, जब जवान हुए तो बचपन एक जमाना था, जब घर में रहते थे आजादी अच्छी लगती थी, आज आजादी है फिर भी घर जाने की जल्दी रहती है, कभी होटल में जाना पिज्जा बर्गर खाना पसंद था, आज घर पर आना और माँ के हाथ का खाना पसंद है। स्कूल में जिनके साथ झगड़ते थे आज उनको ही इंटरनेट पर तलाशते हैं। खुशी किस में होती है ये पता अब चला है, बचपन क्या था इसका एहसास अब हुआ है। काश तब्दील कर सकते हम जिंदगी के कुछ साल, काश जी सकते हम जिंदगी भरपूर फिर एक बार, जब अपने शर्ट में हाथ छुपाते थे और लोगों से कहते फिरते थे, देखो मैंने अपने हाथ जादू से गायब कर दिए, जब हमारे पास चार रंगों से लिखने वाली एक कलम हुआ करती थी और हम सबके बटन को एक साथ दबाने की कोशिश किया करते थे, जब हम दरवाजे के पीछे छुपते थे ताकि अगर कोई आए तो उसे डरा सके, जब आंख बंद करके सोने का ड्रामा करते थे ताकि कोई हमें गोद में उठा के बिस्तर तक पहुंचा दे, सोचा करते थे कि ये चांद हमारी साइकिल के पीछे पीछे क्यों चल रहा है, वॉल स्विच को दरमियान में अटकाने की कोशिश किया करते थे, फल के बीज को इस खौफ से नहीं खाते थे कि कहीं हमारे पेट में दरख्त ना उग जाए, सालगिरह सिर्फ इस वजह से मनाते थे ताकि ढेर सारे तोहफे मिले, फ्रिज आहिस्ता से बंद करके ये जानने की कोशिश करते थे कि उसकी रोशनी कब बंद होती है। सच बचपन में सोचते थे हम बड़े क्यों नहीं हो रहे, और अब सोचते हैं हम बड़े क्यों हो गए, जब बचपन था तो जवानी एक ख्वाब था, जब जवान हुए तो बचपन एक जमाना था। जब रोज स्कूल में आते हैं तो गुस्सा बड़ा आता है, लेकिन स्कूल से जाने के बाद स्कूल याद बड़ा आता है। जब छोटे थे हम तो रोते रोते स्कूल आया करते थे।
हर दूसरे तीसरे दिन छुट्टी का कोई बहाना बनाया करते थे। फिर दोस्तों के संग दोस्ती बढ़ने लगी, शरारतें और मस्ती भी बढ़ने लगी। अच्छा लगने लगा था दोस्तों के संग रहना, और फिर संडे की छुट्टी भी बोरिंग लगने लगी। कितने कमाल के थे वो स्कूल के दिन भी। बेंच पर सर रखकर दुनिया का सबसे खूबसूरत म्यूजिक बजाना, सुबह जल्दी स्कूल जाकर भी लास्ट बेंच पर ही कब्जा करना, सुबह सुबह टीचर्स को गुड मॉर्निंग बोलना, पढ़ने का मन ना हो तो दोस्तों के साथ क्लास बंक करना, होमवर्क पूरा ना होने पर अगले दिन छुट्टी कर लेना, दोस्त से टीचर के सवाल पूछने पर हमारा धीरे धीरे उसे जवाब बताना, छुट्टी के टाइम पर पूरी स्कूल के खाली होने पर ही हमारा बाहर निकलना। बहुत याद आते हैं वो स्कूल के दिन। विद्यादाति विनयम् विनयादयाति पात्रताम् पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मः ततः सुखम्। विद्या विनम्रता देती है, विनम्रता से योग्यता प्राप्त होती है, योग्यता से धन मिलता है, धन से धर्म मिलता है, धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए विद्या प्राप्त करके जो विनम्र नहीं हुआ उसका विद्या प्राप्त करना पढ़ना लिखना निरर्थक है।